नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल का विस्तार कल यानी मंगलवार को हो गया। नए विधायकों ने शपथ लिया, तो कुल 31 विधायकों ने कल नए मंत्रिमंडल में मंत्री पद के का शपथ लिया, जिसमें 11 मंत्री जदयू से आए, 16 मंत्री राजद से, 2 मंत्री कांग्रेस से और 1 हम और 1 निर्दलीय से। तो हम आपको ये सारे 31 विधायकों के बारे में बता रहे हैं, कहां से हैं, इनके ऊपर क्या कोई कुछ आपराधिक मामले हैं या नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं, निर्दलीय से आए विधायक जिनका नाम है सुमित सिंह, इनके ऊपर नीतीश कुमार ने क्यों भरोसा जताया और ये कहां से विधायक हैं। नीतीश कैबिनेट का विस्तार मंगलवार को हुआ। राजभवन में कुल 31 मंत्रियों ने शपथ लिया, तो वहीं जमुई के चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को भी नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। सुमित कुमार सिंह बिहार के कद्दावर नेता रहे दिवंगत नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। सुमित सिंह एनडीए सरकार में भी मंत्री थे। सुमित कुमार सिंह के दादा स्वतंत्रता सेनानी कुशल राजनीतिज्ञ स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह भी चकई से 2 बार विधायक रहे हैं। जेएनयू के छात्र रहे सुमित कुमार सिंह छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए। उन्होंने पहली बार 2010 में चकाई विधानसभा से जेएमएम की टिकट पर चकाई से ही चुनाव जीता था। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़े और पराजित हो गए। वर्ष 2020 के चुनाव में भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे और चकाई से जीत हासिल की। 2020 में वह बिहार में निर्दलीय विधायक बनने वाले इकलौता विधायक थे। स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान देने वाले श्री कृष्ण सिंह ने राजनीतिक जीवन में भी परचम लहराया। अंग्रेजों के द्वारा उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने वालों को 5,000 रुपया इनाम देने की घोषणा की गई थी। देश को आज़ादी दिलाने के बाद वे वर्ष 1962 में झांझा विधानसभा से विधायक बने। इसके बाद वर्ष 1959 में पुनः चुनाव जीतकर उन्होंने प्रदेश सरकार में पथ परिवहन विभाग, पीएचडी और पशुपालन विभाग का मंत्री पद संभाला। 1967 के भीषण अकाल में उन्होंने लोगों के बीच बहुत सक्रिय होकर काम किया था। तो देखिए, ये हैं सुमित कुमार सिंह जो निर्दलीय से आए हैं। इनके ऊपर नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है। नीतीश कुमार के अगुवाई में नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें 31 विधायकों ने शपथ लिया और महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी डिप्टी सीएम बने। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।